एवरीवन, राधे कृष्णा। हरतालिका तीज है इस बार 18 सितंबर 2023 दिन है सोमवार, और हरतालिका तीज में हमें 16 सिंगार में जो भी सामग्री चाहिए होती है हमने वो कौन कौन सी ली है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपने इस वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं 16 सिंगार। तो ये 16 सिंगार में मैंने सबसे पहले लिए ये चूड़ियाँ, तो लाल हरी चूड़ियाँ हैं। साथ में बालों में लगाने के लिए कंघा, तेल, शीशा, और ये देखिए पाउडर है मेरे पास, और ये पीला सिंदूर लिया है। साथ में यहाँ पर ये क्रीम है और लिपस्टिक है, बिंदी है, सूखी मेहंदी ली है यहाँ पे, और ये है काजल, और ये बड़ा बिंदी का पत्ता लिया है, और पैरों में लगाने के लिए अलता भी है। साथ में ये मेहंदी की कोन की जिसे कहते हैं वो भी है, और माता रानी को उड़ाने के लिए हमने ये लाल चुनरी भी ली है। तो माता रानी पार्वती माता को जो हम चुन्नी उड़ाते हैं वो लाल रंग की ली है मैंने, तो यहाँ पर ये लाल चुन्नी ली है मैंने। तो ये मेरा 16 सिंगार है, और ये है सिंदूरदानी। तो इसको सिंदूरदानी कहते हैं, जब यूपी बिहार में लड़की की शादी होती है तो इसी सिंदूरदानी से सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमेशा शुभ काम में इसी सिंदूरदानी से हम लोग सिंदूर लगाते हैं। तो व्रत पूजा या कोई भी शादी भी होती है तो हम इसी से सिंदूर लगाते हैं। और ये सुहाग की विधि को हम कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस यहाँ पर सुहाग की जितनी भी सामग्री हमने 18 सितंबर को शाम को अर्पण करेंगे माता रानी को, वो अगले दिन सुबह के समय मंगलवार के दिन 19 सितंबर को यानी कि सुबह एकदम भोर में हम उठेंगे, नहा धो के ये पूजा फिर से करेंगे। और माता रानी को जितना भी हमने सुहाग का सामान चढ़ाया है वो सारा सामान हम माता रानी को अर्पण करेंगे। जैसे ये सिंदूर मैं अपने सिंदूरदानी से माता रानी को मैं चढ़ा रही हूँ, तो ये 7 बारी मैं ये प्रक्रिया करूँगी। तो ये 7 बारी हम सिंदूर माता रानी को चढ़ाएंगे, उसके बाद ये माता रानी का जो माथे पर मैंने सिंदूर लगाया उसी को मैं अपने माथे पर लगाऊंगी। तो कहते हैं इससे माता रानी आशीर्वाद देती है अमर सुहाग होने का। तो गाइस यहाँ पे सुहाग की विधि इसी प्रकार से हम लोग करते हैं, और जो भी हमने सामग्री सुहाग की चढ़ाई है उसमें से जैसे माता रानी को हमने बिंदी चढ़ाई थी, तो बिंदी माता रानी की माथे की हम अपने माथे पर लगाएंगे। तो और मेहंदी जो हमने लगाई थी वो सारी मेहंदी हम अपने हाथ पे भी लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो इसी तरीके से ये सुहाग की विधि होती है, और जो भी हमने ये वस्त्र रखे हैं, कपड़े रखे हैं, माता रानी को हम भेंट स्वरूप देंगे, और उसके बाद हम ये किसी को भी दान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में जो भी हमारे घर में बड़ा है उसको दे सकते हैं। तो ये दक्षिणा होगी, ये कपड़े होगी, इसमें ड्राई फ्रूट है, साथ में मिठाई, फल फ्रूट जो भी है आप उसे आप पंडित रानी जी को भी दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में किसी भी बड़े को दे सकते हैं सारी चीज़ें। तो सुहाग की विधि हम इसी प्रकार से करते हैं अपने घर में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं हम जल्दी से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।